शेयर बाजार में होने वाली उठापटक का सीधा असर निवेशक की जेब पर पड़ता है। बाजार में तेजी से निवेशक की बल्ले बल्ले हो जाती है तो बाजार गिरने से निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आम निवेशक हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बाजार में आई यह गिरावट क्षणिक है या गिरावट का दौर लंबा चलेगा। कई बार व्यक्ति समय से पहले अपने शेयर बेच देता है और इससे होने वाले फायदे से वह वंचित रह जाता है। कई बार शेयर होल्ड पर रखने से उसे नुकसान हो जाता है। बाजार में फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग का माहौल है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाजार में सेंटीमेंट को कैसे समझा जाए। क्या है शेयर बाजार में गिरावट की वजह और इन दिनों क्यों ईसीजी की तरह ऊपर नीचे हो रहा है बाजार? आइए जानते हैं शेयर बाजार विशेषज्ञ सागर अग्रवाल से। जैसा कि आज हम शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करने बैठे हैं और मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे निवेशकों के मन में एक बात है कि मार्केट में जो अभी आप हाल फिलहाल में मूवमेंट देख रहे हैं वो ईसीजी की तरह हो रहा है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी हमें हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रिसेंटली फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट में एक बहुत बड़ा चेंजेस किया है जिसमें कि 0.75 बीपीएस से उन्होंने इसको इंक्रीज किया है। ये जो डिसीजन आपको मैं बता रहा हूं जो कि फेडरल रिजर्व बैंक ने लिया है ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है और ये वर्ल्ड इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है जिससे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है और 14 लाख करोड़ रुपए का एक बिग ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टर्स लॉस कर चुके हैं और मार्केट में अपर साइड मूवमेंट और लोअर साइड मूवमेंट जो कि आप देखते हैं वो इस तरह से आता है कि डाउन एंड अप इज द डेफिनेशन ऑफ द मार्केट। ओके, जब मार्केट कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक गिरता है तो एक बॉटम लेवल क्रिएट होता है, उससे इन्वेस्टर्स बाय करते हैं और वो वेट करते हैं कि अब हमें इस बॉटम लेवल से आने वाले 1 या 2 दिनों में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम नहीं करते हैं। उनका व्यू होता है 1 डे और 2 डे की स्ट्रेटेजी के लिए। यदि मैं आप लोगों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अभी आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए क्योंकि अभी करंट सेंटिमेंटल्स को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि 2022 दिसंबर तक मार्केट में एक बहुत बड़ा रिसेशन अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को यह चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर्स मार्केट में अभी एक डिसेंट प्रॉफिट अपने स्टॉक्स में देख रहे हैं तो वो अपना प्रॉफिट मार्केट से सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट यदि आपको हो रहा है तो आप उसे लें और मार्केट से बाहर हो जाएं। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट अभी ना करें और मार्केट के एक अच्छे बॉटम का इंतजार करते हुए आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू सी all the market sentimentals also when we do the investment in the market. What does it mean? जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट में FIIs का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है डेली बेसिस पर। वो करोड़ों अरबों रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डेली बेसिस पर वो पुट अप और पुट आउट मार्केट से एक अमाउंट को बाहर करते हैं जिससे कि मार्केट के सेंटिमेंटल्स डेली बेसिस पर चेंजेस आप जैसा कि देख पाते हैं कि आपने ऐसा सुना भी होगा कि FIIs ने इतने लाख करोड़ का माल बेचा जिससे कि निफ्टी में इतना डाउनफॉल आया या FIIs ने इतना माल खरीदा जिससे कि इंडेक्स में इतना अपर साइड मूवमेंट आया। तो यहां पर इंडियन मार्केट जो है एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इकोनॉमिकली
ग्रोथ की यदि बात करें, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो इंडियन मार्केट इज द बेस्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन ऑल टर्म्स। सो मैं आप सभी को ये चीज बोलना चाहूंगा कि डोंट वरी अबाउट द इंडियन मार्केट, बट प्रिकॉशन वी हैव टू ऑलवेज कीप फॉर सेव आवर मनी, राइट। सो अब हम आगे बहुत सारी नई चीजों को लेकर आपके सामने आएंगे और फ्यूचर में आपको इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप अपने अमाउंट को, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख पाएं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि जब भी अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की हो सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ होता है। यहां पर 3P की एक डेफिनेशन होती है। 3P मींस पैसा, पेशेंस, दैट मींस यदि आपके पास पैसा है और पेशेंस है तो आपके पास पैसा आएगा। तो यहां पर इस 3P की डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है। मैं आप सभी को यह चीज बोलना चाहूंगा कि मार्केट में हमेशा पेशेंस रख के काम करिए, कभी भी हार्ड एंड फास्ट डिसीजन ना ले और हमेशा विद इन अ लिमिट आप काम करें। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि आपकी जितनी चादर है उतने ही पैर फंसा रहे, तो ही आप मार्केट में हमेशा सेफ और सिक्योर प्लेयर रहेंगे और मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट योर स्ट्रेटजी शुड बी सेफ। थैंक यू सो मच।